सोना कॉमस्टारना एमडी અને સાથે જ ગ્રુપ સીઈઓ વિવેક વિક્રમસિંહ જોડાઈ ચૂક્યા છે આગળ ખાસ વાતચીત કરવા માટે રિઝલ્ટ્સની ઉપર. સર શુક્રિયા, સબસે પહેલે તો મેરે સાથ જુડને કે લિયે. શરૂઆત ઇસી સે મે કરના ચાહ રહી થી ક્યુંકે ઓપરેશનલી સ્ટ્રોંગ નંબર્સ હે. ઇન ટર્મ્સ ઓફ રેવન્યુઝ નિયરલી મોર ધેન 50% કા ઇઝાફા, કિસ તરીકે સે મોમેન્ટમ આપ દેખ રહે હૈ? ઓર ચૂંકિ હમ લોગ ઓવરઓલ ડિમાન્ડ કે અંદર એક રિવાઇવલ દેખ રહે હૈ, યહાં સે ચીઝે યે ક્વાર્ટર કે દૌરાન કૈસી થી, એક હાઇલાઇટ સે શરૂઆત કરે. धन्यवाद अदिति जी. क्वार्टर अच्छा गया है. 586 करोड़ का रेवेन्यू था, 154 करोड़ का एबिटा और 88 करोड़ का नेट प्रॉफिट. सब में वृद्धि हुई है पिछले साल से, बट हमारा बिजनेस लगभग 80% एक्सपोर्ट या बाहर के विदेश के मार्केट से आता है, इंडिया में खाली 20% है. तो इस क्वार्टर इंडिया वाले बिजनेस में तो ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई है, बट ग्रोथ एक्चुअली अगर आप ओवरऑल इंडस्ट्री को देखें तो इस क्वार्टर में उतना ग्रोथ नहीं था. आगे वाले क्वार्टर में हम ग्रोथ की उम्मीद करते हैं इंडस्ट्री की वजह से. हमारी ग्रोथ हुई है नए बिजनेस और नए कस्टमर्स जो हमने जोड़े हैं उनकी वजह से. तो इंडस्ट्री में अभी भी वीकनेस है सप्लाई चेन की वजह से. ये शायद पहली बार होगा हमारी इंडस्ट्री में कि डिमांड उतना बड़ा इश्यू नहीं है, सप्लाई चेन इश्यू हो गई. ओके, अग्रीड सर. अच्छा, मैं एक आइडिया इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर के फ्रंट पे समझना चाह रही थी, क्योंकि जहाँ तक मैं ठीक समझ रही हूँ स्पेशली बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के अंदर रेवेन्यूज तो बड़े ही हैं, लेकिन यहाँ पे मार्केट शेयर के फ्रंट पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हम लोग विटनेस कर रहे हैं एज अ होल सिनारियो, क्योंकि इस कैटेगरी में काफ़ी कम प्लेयर्स हैं जो अभी वर्कआउट कर रहे हैं. ये चीज़ें कैसे डेवलप हो रही है, एक उसके पैरामीटर्स के ऊपर आपका आइडिया किस तरीके से वहाँ पे क्लाइंटल ऐड हो रहे हैं और नेक्स्ट 1 to 2 इयर्स डाउन द लाइन वो किस तरीके से इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू पोटेंशियल कंट्रीब्यूट करता हुआ देखेंगे हम लोग? जी, बहुत अच्छा सवाल है. एक्चुअली सबसे बड़ा चेंज इस समय अगर ऑटोमोटिव दुनिया में कुछ हो रहा है तो यही है, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्री. जो ये नंबर करीब 2% दुनिया की गाड़ियां इलेक्ट्रिक हुआ करती थी, अब वो नंबर 6% पे पहुंच गया है और अगले साल तक 11-12% तक पहुंचने की उम्मीद है. तो अगर आप हमारी भी रेवेन्यू में ग्रोथ देखेंगे कि 52% ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ है, मगर जो हमारा बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल रेवेन्यू से आता है उसमें 143% ग्रोथ है. अभी पिछले क्वार्टर में हमारा 22% रेवेन्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल से आया और जिस तरह से ये तेजी बढ़ रही है धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा फ्यूचर में. बिकॉज एक नए नए इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेयर्स उभर के आ रहे हैं इंटरनेशनली. हमारा अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस देखेंगे 124 करोड़ पिछले क्वार्टर में हमारा रेवेन्यू था इलेक्ट्रिक व्हीकल से, इसमें से 122-123 करोड़ भारत से बाहर है. तो विश्व में जैसे जैसे नए इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर्स उभरेंगे वैसे वैसे हमारा रेवेन्यू उनसे बढ़ेगा, प्लस जो एग्जिस्टिंग जैसे कि बजाज जी ने कहा चैंपियन ऑटोमेकर्स हैं वो भी धीरे धीरे इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और उनके इलेक्ट्रिक मॉडल्स आ रहे हैं, तो वहां हम पहले ही से मौजूद हैं, जो नेचुरली वहां से भी शेयर बढ़ेगा. तो लीवर्स ऑफ ग्रोथ काफी हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले रेवेन्यू के परिप्रेक्ष्य में. ओके, अग्रीड सर. और इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट ये जो गियर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, मोटर्स की बात कर रहे हैं, वहां पे भी काइंड ऑफ मार्केट शेयर के फ्रंट पे इंप्रूवमेंट तो आया है, तो क्यूमुलेटिवली कौन से सेगमेंट से सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस था और नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स किस तरीके से वर्कआउट हो रहे हैं, ये एक अगर आप मुझे बता पाएं. और साथ ही एक और चीज़ जो मैं जानना चाह रही थी इसे मैं ऐड कर देती हूँ, इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल प्राइसेस, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन वहाँ पर दिख चुका है, अब प्राइसेस क्योंकि इतने बढ़ चुकी है इनपुट कॉस्ट के फ्रंट पे एक अफेक्ट होगा. सारे इंडस्ट्रीज से हम लोग इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, आपके लिए ये कैसा था, मार्जिन के ऊपर इफेक्ट आता हुआ अगर हम लोग देख रहे हैं, प्राइस हाइक्स अगर आपने कुछ लिए हैं किस तरीके से वो वर्कआउट हो रहा है? जी सो आदित्य जी, आपने दोनों बहुत उम्दा सवाल है. तो पहला तो हमारी ग्रोथ इसलिए हो रही है क्योंकि हमारा मार्केट शेयर ग्रोथ कर रहा है. डिफरेंशियल गियर में 2019 में हमारा 4.5% विश्व का मार्केट शेयर था. इस साल के 9 महीने पूरे हो गए इस कैलेंडर ईयर के, हमारा मार्केट शेयर बढ़ के हो गया 6.4%. मोटर्स में वही हमारा 2.5% हुआ करता था कैलेंडर ईयर 19 में, अब वो हो गया 5%, डबल 2.5 साल के अंदर. सिर्फ इसी वजह से ग्रोथ है, क्योंकि अगर आप इंडस्ट्री को कंपेयर करें 2019 से और अभी, तो ऑटो सेक्टर में एक्चुअली ग्रोथ नहीं डीग्रोथ हुई है टोटली.
तो जो ग्रोथ है वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट शेयर की वजह से ही हो रही है। डिफरेंशियल असेंबली देखें, जो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट है, उसमें हमारा 2 साल पहले कुछ भी शेयर नहीं था, अब उसमें हमारा 12% के ऊपर शेयर है विश्व का। तो हम अपने कर्मों की वजह से बढ़ रहे हैं, कोई वेव नहीं है ऊपर ले जाने वाले। रॉ मटेरियल प्राइसेस, आपने बहुत सही बात की, इस समय से ज्यादा इन्फ्लेशनरी प्रेशर आई थिंक हमने अपने करियर में, इस कंपनी के इतिहास में देखा नहीं। और ये प्रेशर पास थ्रू हो जाता है, क्योंकि जैसे हमारे कस्टमर्स बहुत ही अच्छे हैं और हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे स्ट्रक्चर्ड है कि रॉ मटेरियल पास थ्रू हो जाता है। मगर अगर परसेंटेज मार्जिन देखें तो चूंकि मैथ ऐसी है कि वो हमेशा परसेंटेज मार्जिन कम हो जाता है। आप देखिए कि अगर 100 रुपए आपका रेवेन्यू था और 40 रुपए रॉ मटेरियल कॉस्ट, और 10% से बढ़ता है और आपको पूरा पास थ्रू मिल गया, तो भी आपका क्या हुआ, 40 बन गया 44, 100 हो गया 104, रुपए बने 60, पहले भी 60 थे, बट नाउ दिस इज 60/104, तो आपका मार्जिन श्रिंक हो गया। तो परसेंटेज में ये सबके ऊपर ये हिट आने वाली है कि रेवेन्यू ग्रोथ विल बी हायर देन प्रॉफिट ग्रोथ, बट ये मैथ है और ये कब तक चलेगा ये देखना जरूरी है। बट इस तरह से अगर चलता रहा तो और कोई ऑप्शन नहीं है, बट एंड कंज्यूमर के लिए गाड़ियां महंगी होती जाएगी, जो कि अच्छी चीज नहीं किसी के लिए। सो लेट्स सी कितनी देर ये परसिस्ट करता है, बट मार्जिन चैलेंजेस के बावजूद आई थिंक हमारा एबिटा तब भी 26% से ऊपर आया है और पैट 15% से, तो काफी सुदृढ़ और रिजिलियंट कंपनी हम लोग अभी भी फाइनेंशियल अच्छे दे पा रहे हैं इस एनवायरमेंट में।